कहे। अब अगली खबर वो जो बहुत निराशाजनक खबर है, वो आपको बहुत निराश करेगी। देखिए, कहा तो हम गुलामी के निशान मिटाने की बात कर रहे हैं, मतलब बात हो रही है तो गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति, गुलामी के निशान मिटाने की, मुगलों की निशानी मिटाने की बात होती है। और कहां भारत के एक फाइटर ट्रेनर विमान से भारतीय धर्म संस्कृति के ध्वजावाहक हनुमान जी के निशान को मिटा दिया गया। ये देखिए आप तस्वीर, कल ही हमने फाइटर ट्रेनर विमान HLFT-42 की एक तस्वीर दिखाई थी ना आपको, तस्वीर बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो की थी, याद है ना आपको, कलम ने ये देखिए वीर बजरंगी द स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आ रहा है, ये लिखा था HLFT-42 फाइटर ट्रेनर विमान के पिछले हिस्से में पवन पुत्र हनुमान की तस्वीर लगाई थी ना, आपने भी देखी होगी, नीचे संदेश भी लिखा था, मैंने आपको बताया द स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आ रहा है, बजरंगी की तस्वीर, पवन पुत्र का साहस, पवन पुत्र की तस्वीर। लेकिन इससे पहले ही एक राष्ट्र विरोधी गैंग ने विवादों का तूफान खड़ा कर दिया, जिसे पराक्रम के प्रतीक से नफरत है, जिसे भारतीय संस्कृति की हजारों साल पुरानी पहचान से एलर्जी है, जिसे शौर्य में भी मजहबी रंग घोलने की आदत है। अब इसका उदाहरण आपके सामने है, दो तस्वीरें देखिए आप, आपको दुख होगा, आपको बुरा लगेगा, बहुत निराश करती है तस्वीर, यह बहुत निराश करती है तस्वीर। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, फाइटर ट्रेनर विमान HLFT-42 के पिछले हिस्से में संकट मोचक हनुमान जी का चिन्ह है, सेना का गौरव बढ़ाने के लिए लगाया गया था, यह सेना के शौर्य हिम्मत पराक्रम का प्रतीक था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते तस्वीर हटा दी गई, यह तस्वीर हटा दी गई, बजरंग बली की, हनुमान जी की, पवन पुत्र हनुमान जी की तस्वीर हटा दी गई। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जिस फाइटर ट्रेनर विमान HLFT-42 के निचले हिस्से में हनुमान जी की तस्वीर लगवाई थी, वो अचानक से हटा दी गई। हनुमान जी की तस्वीर हटाए जाने के बाद हर किसी के मन में सवाल है कि भाई ऐसा क्यों किया, भाई क्यों किया गया ऐसा, मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक 24 घंटे के अंदर ये फैसला करना पड़ा। अब इसके पीछे की वजह, आखिर पवन पुत्र हनुमान का खौफ किसे है, कौन सा गैंग है जो हिंदू आस्था के प्रतीक के खिलाफ खड़ा है, इसकी पूरी पड़ताल, हम पूरी कहानी आपको बताएंगे, एक एक डिटेल देंगे, लेकिन साथ ही उस गैंग का कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने खोलेंगे। लेकिन पहले आपको HAL के CMD CB अनंत कृष्णन का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने हनुमान जी की तस्वीर हटाने की वजह बताई है, सुनिएगा। With any intention it has been put, and it has not been with any intention it has been removed. It is just to see that the program runs through successfully without getting into any. This was unintentional, and it is like. क्या जरूरत थी हटाने की? मतलब HAL के CMD साफ कह रहे हैं कि विमान के पीछे हनुमान जी की तस्वीर बिना किसी वजह के लगाई गई थी, लेकिन जानकार इसके पीछे की वजह कुछ और ही बता रहे हैं। दरअसल 60 के दशक में जब भारत ने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाया था तो उसका नाम HAL मारुत रखा था, मारुत यानी पवन, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को पवन पुत्र माना जाता है, सभी जानते हैं भाई, इसलिए कंपनी ने अपने नए मॉडल में मारुत वर्जन को अपडेट करते हुए हनुमान जी की तस्वीर, ये दो तस्वीरें हनुमान जी की तस्वीर लगाई। ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर ने कल ही इस बात की जानकारी दी थी। सक्सेसफुल और बहुत अच्छा डिज़ाइन किया HF-24 मारुत, उसका नाम था मारुत, विच इज़ लाइक द सेकंड नेम फॉर पवन और विंड, और पवन पुत्र ये साक्षात हैं आपके, दिस इज द सन ऑफ मारुत इन मैनी वेज, LCA इज देयर ऑब्वियसली, बट दिस इज मे बी द एल्डर सन ऑफ मारुत, सो दैट इज वाई एज एन इंस्पिरेशन दैट ग्राफिक इज देयर एट द बैक विच इंस्पायर डिजाइनर्स, पायलट्स को भी इंस्पायर करता है, और हम सब मोटिवेटेड हैं उनकी वजह से। अब देखिए, हो ये रहा है कि ये क्यों हटाई गई, क्या वजह है, किसको आपत्ति थी, किसको दिक्कत थी, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हटाए जाने से कांग्रेस में थोड़ा जश्न का माहौल है। उदित राज जी क्या कह रहे हैं एक बार आपको सुना देते हैं, वो कह रहे हैं अच्छा हुआ हटा दी, सुन लीजिए एक बार उदित राज। उदित राज का बयान आपको सुनाएंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ हटा दी, लेकिन कहां तो गुलामी के निशान मिटाने की हम बात हो रही थी, और कहां भारत के एक फाइटर ट्रेनर विमान में से भारतीय धर्म संस्कृति के प्रतीक हम मिटा रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा जब रफाल आया था तो स्वास्तिक की तस्वीर थी, याद है आपको, मतलब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, तस्वीर 10 सितंबर 2020 की है जब रफाल लड़ाकू विमानों को, ये देखिए आप तस्वीर है, जब राजनाथ सिंह ने स्वास्तिक बनाया था तब भी बड़ी आपत्ति हुई थी, तब भी लोगों के पेट में दर्द हुआ था, तब भी कहा गया था ये तो कम्युनल हो गया भाई, अभी हनुमान जी के नाम से दिक्कत है, तो इसीलिए इसके पीछे की कहानी आपको बताना जरूरी था। सौ बात की एक बार